पानी उधर से आ रहा है, देखो वो पाइप में से कितना कचरा भी वो है। उधर स्ट्रेट मंदिर के उधर वो दीवार है, इधर मेरे हाथ मंदिर के अंदर से पानी सीधे नदी में मिल रहा है। हाँ, अभी हमको पता नहीं वो कौन सा पानी है, लेकिन सिर्फ इतने से एरिया में फूल उगा के आपको लगता है कि नदी साफ की जा सकती है? नहीं। हाँ, अभी ये पानी का कलर क्या है? ब्लैक। हाँ, पानी का कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट या क्लियर? क्लियर एकदम, कुछ उसमें मिट्टी दिखना चाहिए, अंदर की मिट्टी दिखना चाहिए। अभी क्या दिख रहा है आपको? तो अभी यहाँ तो ब्लैक पानी दिख रहा है हमको। हाँ, गंदा पानी, बदबू आ रही है इधर से। लेकिन क्या अदर कंट्री में उधर हम गए ना तो नदी एकदम क्लियर रहती है, उनके गटर भी एकदम क्लियरली रहते हैं। हाँ, क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास सिस्टम बिल्कुल सही रहते हैं और लोग नियम नहीं तोड़ते। नियम तोड़ते भी नहीं, फॉलो करते नियम को, लोग फॉलो करते। अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर लोग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही कचरा डालते हैं, इसीलिए इतनी गंदी है। जब हमने उस काका लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसा उसको एक आदमी से नहीं होगा, सबको ये करना चाहिए। बिल्कुल, सबको साथ में मिलके करना। वो आदमी कचरा डाल रहा था, हमने पूछा कचरा क्यों फेंक रहे, तभी उसने बोला सभी लोग फेंकते हैं इसीलिए मैंने फेंका। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे ही है। और एक प्रॉब्लम है कि नियम तोड़ते, अगर नियम नहीं तोड़ा ना नदी क्या पूरी चीज साफ ही रहेगी। बिल्कुल आप क्या बोल रही थी? मतलब जो अभी हमने एक काका से पूछा था ना कि पहली नदी कैसी थी, वो यहाँ पे नहाते भी थे, इतनी अच्छी नदी थी। हाँ, पर अभी इतनी गंदी हो गई कि इसमें सब कचरा डाला है, भगवान को इतना मानते हैं तो भी भगवान को इधर डाल दिया है पानी में। मैं सोचती हूँ कि वो लोग भगवान की इतनी पूजा करते हैं, खाने का चीज भी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को इतनी गंदगी में डालते हैं, उनको शर्म क्यों नहीं आई? सोच वो तो सवाल पूछना पड़ेगा ना अपन को, है ना? भगवान को इतना मानते हैं, भगवान को इतनी गंदगी में डाले। हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पुण्य लगेगा। ये देखो कचरा डालने के लिए, देखो अभी क्या पता, अपन को सबके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। एक बार अपन देखते हैं ना तो फिर अपन सबके ऊपर ऐसे सोचते हैं, ये क्या कचरा डालने आया है, क्या करने आया है ना? आपने क्या देखा था वहाँ पे, वो सीसीटीवी कैमरा वाला बताओ। उस सीसीटीवी कैमरा में इधर दो तीन थे। हाँ, लेकिन सब देखकर वो जा रही थी कि उधर सीसीटीवी कैमरा है, हमें पकड़ भी सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी को डर नहीं था, पर वो किसी को बंद होंगे सीसीटीवी कैमरा बंद होंगे नहीं, ये हो सकता है क्योंकि ज्यादातर सीसीटीवी हमारे स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो आधे से बंद ही है। हाँ, तो अगर कुछ लगाते हैं तो उसको बंद क्यों होना चाहिए? आपको चलना चाहिए ना। और देखो इतना अच्छा पेड़ है पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते लोग। कपड़ा फेंक दिया पेड़ पे। हाँ, कपड़ा फेंका पर बोतल फेंके, इतना कचरा फेंका है, वो शूज फेंके है, पहनते और ऊपर से सब फेंक देते इधर शॉल है ना ऊपर। हाँ, अभी आप क्या बोल रही थी बताओ? मतलब वो लोग दिए खरीदते हैं दिवाली के इतने बड़े महोत्सव में, वो इधर ही फेंक देते। हाँ, और दिए लगाते हैं और जब उसका यूज हो जाता है तो सीधा फेंक देते, वही वो अगले दिवाली में भी पेंट करके यूज कर कलर करेंगे, रियूज करेंगे हम। बिल्कुल, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचते, हमको उन्हें सिखाना पड़ेगा, है ना? हाँ, आप क्या बोलती हो? बोलो मराठी में बोलो।